और दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो बनाने का। जब हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ में कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, ये दोस्तों हम वीडियो मंथ के लास्ट में रखते हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। हम दोस्तों आपको जितने भी स्मार्टफोन बताते हैं उनमें से दोस्तों 80-90 स्मार्टफोन लॉन्च होते ही होते हैं, तो वीडियो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाते हैं। आज मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मार्च के महीने में कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं जिनका आपने दोस्तों वेट करना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम ले लूँगा तो बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। दोस्तों मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको 2 मार्च को स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसका नाम है ओप्पो रेनो 3 प्रो। ये स्मार्टफोन दोस्तों 5G स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन की खासियत है यहां पे आपको 44 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी देखने को मिलने वाला दोस्तों। और हां दोस्तों, ये भारत में पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि हीलियो P95 प्रोसेसर के साथ आएगा। कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 35,000 से 40,000 रुपए के आसपास आएगा, क्योंकि 5G स्मार्टफोन है और याद रहे दोस्तों 2 मार्च को आने वाला है। और दोस्तों जो मैं आपको अगला स्मार्टफोन बताने वाला हूं ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। जी हां फ्रेंड्स, रियलमी अपना 5 मार्च को एक इवेंट हो रहा है जहां पे वो अपने रियलमी 6 प्रो जैसे स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रियलमी 6 जो है वो अंडर 10,000 के आसपास आएंगे, वहीं रियलमी 6 प्रो में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। और हां दोस्तों, ये Realme 6 Pro जो मोबाइल है यहां पे आपको डुअल सेल्फी देखने को मिलेगी पंच होल वाली, तो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जब भी आएगा दोस्तों हम आपको इस स्मार्टफोन के बारे में भी बताएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम दोस्तों नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक डेफिनेटली पहुंच जाएगी। दोस्तों मैंने आपको बताया 2 मार्च को स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, 5 मार्च को भी स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, अब आपको 6 मार्च को भी एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। जी हां फ्रेंड्स, जिसका नाम है दोस्तों इन्फिनिक्स S5 Pro। ये स्मार्टफोन ऐसा बताया जा रहा है कि पॉपअप सेल्फी के साथ आएगा, जहां पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, और ये अभी तक का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन होगा जहां पे आपको 32 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं आप लोग यहां पे ये 10,000 रुपए के नीचे आने वाला है। तो डेफिनेटली मैं इन्फिनिक्स को एक बड़ा सा थम्स अप देना चाहूंगा, क्योंकि 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी अगर आपको 10,000 के नीचे मिल जाता है सोने पे सुहागा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीवो की तरफ से भी आपको स्मार्टफोन मार्च में देखने को मिलेंगे, वीवो V19 Pro। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे आपको डुअल पंच होल वाली सेल्फी भी देखने को मिलेगी, जो कि सारे स्मार्टफोन में आ रही है। और हो सकता है दोस्तों ये भी स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन रहने वाला है, तो दोस्तों जब भी आएगा तब आपको इसके बारे में भी जरूर से बताएंगे। वैसे दोस्तों इसका अगर हम एक्सेप्ट बात करें कि ये कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं मिड मार्च तक ही आ जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको देखने को मिलेगा मार्च में ही। और दोस्तों आपको मार्च के महीने में OnePlus की भी तरफ से स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 Lite। अब ये नहीं कह सकते दोस्तों कि सारे स्मार्टफोन आपको मार्च में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कंफर्म है दोस्तों कि ये मार्च में देखने को मिलेंगे, और ये भी स्मार्टफोन दोस्तों 5G स्मार्टफोन रहने वाले हैं। तो आप गैस कर सकते हैं कि दोस्तों मार्च के महीने में बहुत सारे 5G स्मार्टफोन आने वाले हैं, क्योंकि रेस लग गई है। रियलमी X50 Pro ने रेस लगा दी और IQ3 ने रेस लगा दी 5G स्मार्टफोन की, तो डेफिनेटली दोस्तों मार्च के महीने में बहुत सारे स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों अगर आपने रियलमी X50 Pro और IQ की वीडियो नहीं देखी है तो हमने दोनों पर ही वीडियो बनाई है, आई बटन में उसको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, और वो दोनों स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, जाकर के एक बार उस वीडियो को चेक कर लेना। दोस्तों मैंने आपको बताया 2 मार्च को आपको ओप्पो रेनो 3 प्रो देखने को मिलेगा, वहीं दोस्तों मार्च में ही आपको ओप्पो फाइंड एक्स भी देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की खासियत ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो कैमरा देखने को मिल रहा है वो सेल्फी वाला, वो स्लाइड वाला देखने को मिल रहा है। जब आप अपने फ़ोन को ऊपर स्लाइड करेंगे तो वहाँ से आपकी सेल्फी निकल के आती है, तो बेहद इंटरेस्टिंग लगता है, और डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। ये स्मार्टफोन दोस्तों 5G स्मार्टफोन है, और प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 45,000 से 50,000 रुपये के बीच में आएगा, ये कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और भी बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं की गई हैं अभी तक, लेकिन जब भी रिवील होंगी तब हम आपको जरूर से बताएंगे इसके बारे में। और दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी कंपनियां स्मार्टफोन लॉन्च करें और Xiaomi ना लॉन्च करें? जी हां फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको Xiaomi की तरफ से Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, जहां पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि Redmi Note 9 जो है वो आएंगे दोस्तों 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ, वहीं दोस्तों Redmi 9 आएगा दोस्तों यहां पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों कितना कुछ खास लेकर के आएगा Redmi, सब कुछ दोस्तों हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे जैसे ये
ये स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं Redmi की तरफ से Redmi के 30 Pro 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता है कि इंडिया में मार्च में आएगा, लेकिन ये कन्फर्म है दोस्तों ये चाइना में मार्च के महीने में लॉन्च होगा। तो इंडिया में डेफिनेटली हो सकता है कि ये मार्च में आ जाए। ये भी स्मार्टफोन दोस्तों 5G स्मार्टफोन है, क्योंकि आपको पता है Realme और Redmi का दोनों का कॉम्पिटिशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया Realme X50 Pro जो कि 5G स्मार्टफोन है वो भारत में लॉन्च हो गया है। तो डेफिनेटली दोस्तों Redmi अपना Redmi के 30 Pro 5G स्मार्टफोन मार्च के महीने में लेकर के आ सकता है इंडिया में, ये कंफर्म नहीं कह सकता। और प्राइस दोस्तों इसकी भी वही रहेगी 30,000 से 35,000 रुपए के बीच में। जब भी आएगा दोस्तों हम आपको इस स्मार्टफोन के बारे में भी बताएंगे। और हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कुछ लोग जो एक नया स्मार्टफोन लेने वाले होंगे तो वो वेट कर लें, उन्हें हो सकता है अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाए मार्च के महीने में। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दीजिए बड़ा सा, और चैनल पे अभी तक बने हुए हैं यहाँ तक आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम दोस्तों आपका, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट करो और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड कर गया। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।